हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरज स्कूल भिवाड़ी। आई एम तरुणा सैनी, पीजीटी अकाउंटेंसी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आज के हम क्लास में स्टडी करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों वर्ड से 100% 1 mark का क्वेश्चन या आपका पूरा का पूरा चैप्टर इसके मीनिंग पर ही बेस्ड है। जब तक आपको इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको सम्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। देखिए, डिसोल्यूशन का मीनिंग हम समझते हैं। डिसोल्यूशन, यहाँ डिसोल्यूशन वर्ड में आपके पास दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो यानी कि फर्म एंड हो रही है, फर्म एंड हो रही है, फर्म क्लोज हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, यानी कि आपकी जो असेट हैं वो सेल हो जाएंगी अब, और आपकी जो लायबिलिटी हैं वो पे हो जाएंगी अब। बिजनेस जो है वो ख़त्म हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए, बिजनेस क्लोजर हो रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो आपने चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, चेंज इन रेशियो पढ़ा, डेथ पढ़ा, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर थे। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो आपकी फर्म बंद हो रही है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में केवल पार्टनरशिप चेंज हो रही है। नए पार्टनर आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, ओनली रिलेशनशिप चेंज हो रही है, लेकिन बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपसे कोई पूछे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मीन्स की फर्म तो कंटिन्यू चलती रहेगी। फर्म क्या रहेगी? फॉर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, नो एंड ऑफ द बिजनेस, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ओनली रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर चेंजेस। केवल पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वही चेंज होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? फर्म विल गो टू एन एंड। हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगी क्योंकि हमें बिजनेस चलाना है, और यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि हमें आगे बिजनेस करना ही नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस है। पहले पार्टनरशिप का मीनिंग बताया, फिर फर्म का। पार्टनरशिप का मतलब है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। ओल्ड एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, और फर्म दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ की वजह से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इन टू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस को बंद कर देंगे, बचे हुए पार्टनर भी बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? फर्म क्लोजेज डाउन, फर्म बंद हो जाएगी, बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद हो जाएगा। डिसोल्यूशन होने पर असेट्स आर सोल्ड, असेट सेल हो जाएंगी और लाइबिलिटीज पे हो जाएंगी, और बाकी अमाउंट से अकाउंट पार्टनर्स के सेटल हो जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म में कंटिन्यू, इट डजेंट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट इन केस डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड का मतलब याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि फर्म बंद होगी तो रिलेशनशिप भी एंड हो गई। बट डिसोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे हो सकता है? व्हाट आर द केसेस द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व। कब कब आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है? मीन्स डिसोल्यूशन का मतलब एक तरह से हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्म चलती रहेगी, ओनली रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, ओल्ड एग्रीमेंट ब्रेक हो रहा है और न्यू एग्रीमेंट एमर्ज हो रहा है। तो देखो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं।
जब रेशो चेंज हो रहा हो, हमने कौन से चैप्टर में किया था, चैप्टर 3 में, जब एडमिशन हो रहा हो चैप्टर 4 में किया था, रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, एक्सपेल्शन मतलब आउट कर देना बिजनेस से, ये चैप्टर 5 में पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी और ये हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन इंसॉल्वेंसी का मतलब जब कोई भी पार्टनर जो है वो बिजनेस करने के लिए उनके पास मनी ही नहीं बचे, वो इंसॉल्वेंट हो जाएँ, उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएँ, और इन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। आपके डीड में ही मेंशन था कि आप 5 ईयर या 3 ईयर के लिए बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इन केसेस में आप का फर्म जो है वो पार्टनरशिप जो है वो रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि डिजोल्व हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो देखिए बेटा, फर्स्ट मीनिंग, इट रेफर्स टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। यहाँ तो क्या होगा, केवल रेशो चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, इट रेफर्स टू डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा और फर्म भी बंद हो जाएगी। कंटिन्यूएशन, यहाँ फर्म कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पे फर्म डजन कंटिन्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर नॉट बी क्लोज, क्लोज नहीं होंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। इफेक्ट, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नहीं है कि फर्म भी डिजोल्व हो गई, नहीं, फर्म के डिजोल्व होने का मतलब है कि पार्टनरशिप भी डिजोल्व हो गई। नेचर, ये मनमाना है और ये वॉलेंट्री है। आप अपनी बुक से इसके एक्ट्स वगैरह भी लर्न करेंगे कि किस एक्ट में ये मेंशन है कि फर्म डिजोल्व हो जाएगी, ओके। अच्छे से इसको राइटिंग करना है और लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।